हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरे चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आज मैं बैक की किकिंग और थोड़ी फ्रंट की भी बता दूंगा, किकबोर्ड के साथ कैसे प्रैक्टिस करनी है बैक की। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ी बहुत किकिंग करना जान जाते हैं तो आगे वाला स्टेप मत करो जब तक आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते। अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो माइंड को रीड हो जाएगा, तभी आप अच्छे से पूरा कर पाओगे। रीज़न क्या होता है कि हमें थोड़ी सी किकिंग करने आ जाती है, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, तो हम स्टार्टिंग में तो किकिंग कर लेते हैं, फिर बीच में जाके हमारी किकिंग बंद हो जाती है और हमें नहीं पता चलता, हम गलत करने लग जाते हैं। एक्यूरेट किकिंग करते करते आप दूर तक जाओगे तो बेनिफिट रहेगा। जैसे कि मैंने बैक स्विमिंग के हैंड मूवमेंट की बना दी, उसके बाद हैंड और लेग मूवमेंट की पूरी बना दी, तो आज मेरी सिर्फ लेग्स मूवमेंट की है। ठीक है, अभी आपने कल मेरा पार्ट देखा होगा जो मैंने बैक स्ट्रोक में सिखाया था, आज किकिंग बोर्ड के साथ बताऊंगा कि बैक की कैसे प्रैक्टिस करनी है, बाहर कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो सारी बताऊंगा। तो किक बोर्ड में आप देख सकते हो कि ये किक बोर्ड अभी सीधा है, इसको हल्का सा आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाली साइड आपकी पानी में होनी चाहिए और ऐसे इसको आपने ग्रिप करने के लिए जो सीधी करते हो उसमें आप यहाँ से ग्रिप कर सकते हो, यहाँ से ग्रिप कर सकते हो, यहाँ से ग्रिप कर सकते हो, ऐसे ग्रिप कर सकते हो, जैसे ऊपर रखे ना ऐसे ग्रिप कर सकते हो। अब बैक के लिए आपको ये ऐसे करके आप सिर के नीचे देके इसको ऐसे ग्रिप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे ग्रिप कर सकते हो, सॉरी दिख नहीं रहा होगा ना आपको, सॉरी आप इसको ऐसे ग्रिप कर सकते हो, मतलब कि ऐसे ग्रिप कर सकते हो और ऐसे ग्रिप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, आप बिना इसके भी किकिंग कर सकते हो। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको किकिंग की प्रैक्टिस बता देते हो, और बाहर लेट के कैसे करनी है ये भी बता दूंगा। लेग्स सीधी रखनी है पानी में, ऑटोमेटिक जितनी मूवमेंट हमारी बेंड होनी चाहिए वो ऑटोमेटिक ही उठा लेगा। तो चलो स्टार्ट करें। हाँ, अगर आपकी फिर भी कोई कमी नहीं दूर होती, आप मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबकी आइडियाँ हैं, तो प्लीज़ उस पर भी आके मुझे फॉलो कर ले। तो अभी मैं सोच रहा हूँ प्लस टिकटॉक की ऐड कर दूँ आईडी, तो अभी करेंगे बहुत जल्दी। तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, आप पानी में जाने के लिए तैयार है, पर पानी से बाहर प्रैक्टिस करने वाली, जैसे कि आप फ्री में ये लेग्स मूवमेंट ऐसे ही रहती है, फ्री में आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, इसको ये पानी में ऐसे ऐसे जाके इसको फास्ट करते हैं हम ऐसे ऐसे। ठीक है, अब बैक की प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, हमें लेट जाना है। ठीक है, बैक की प्रैक्टिस के लिए अगर आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो भी बढ़िया है, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो भी बढ़िया है, पर हमने अब बैक की करनी है तो बैक के लिए हमें ऐसे लेटना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बैक के लिए आपने ऐसे लेट जाना है। ओह, गर्म बहुत है, गर्म बहुत है, किक बोर्ड रख लेता हूँ नीचे, गर्म बहुत है, आप लाइक कर देना इसी बात। ओके, तो फ्रेंड्स आपने ये चीज़ रखनी है कि बैक थोड़ी आपकी नीचे ही होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट के आपने ये चीज़ रखी, आपने ये चीज़ ऐसे कर ली, देख रहे हो लेग सीधी चल रही है, पर ये पानी में ऑटोमेटिकली इतनी फोल्ड होने लग जाती है, मतलब कि ये इतनी फोल्ड होने लग जाती है, पर फोल्ड में भी ये नीचे को होगी, मतलब ऐसे होगी फोल्ड में, ये ऐसे फोल्ड नहीं होगी, ऐसे ऐसे फोल्ड नहीं होगी, स्ट्रेट लाइक दिस। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है मिनिमम आप 200 के आप 3 सेट मारोगे रोज बाहर, और ऐसे कंटिन्यू राउंड मारोगे तो आपको लेग्स मूवमेंट की प्रैक्टिस आ जाएगी। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए पानी में बताते हैं, बाकी मैं आपको बाहर बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अभी हम पानी में हैं, पानी में सबसे पहले आपने किक के साथ कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने गर्दन के पीछे देखे इसको लाइक दिस, ये आपने कैसे मूवमेंट करनी है, इसको आप ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे आपने कंटिन्यू किक की करनी है, ये नहीं कि अब आपको किक चलानी आ गई है तो अब आप कुछ और करने लगे हो, प्रैक्टिस आपने कंटिन्यू करनी है। ये बात याद रखना कि अगर आप ज़्यादा किकिंग प्रैक्टिस करोगे तो ही आप आगे कर पाओगे। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, नेक के पीछे रख के आप हल्का सा नेक को ऊपर कर लो, ठीक है, और इसको यहाँ से ग्रिप कर लो, अगर आप यहाँ से ग्रिप नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब किक कर रहा हूँ मैं स्लो मोशन में, ये देखो अब इसको फास्ट करो, जैसे जैसे आप फास्ट करते जाओगे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। एक बात ध्यान रखना कि जब आप किकिंग करोगे तो आपकी कमर ऐसे और ऐसे नहीं घूमनी चाहिए, ठीक है, सीधी किकिंग, ये सी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये तो होगी एक ग्रिपिंग, अब क्या करना है, अब हम यहाँ से ग्रिप करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप हाफ से भी ग्रिप कर सकते हो, पर हम यहाँ से ग्रिप करेंगे, पहले हाफ से बता देता हूँ, हाफ से ग्रिप करके आपने सेम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका थोड़ा बॉडी का मूवमेंट का जोर लगेगा और साथ में आपका जो नेक का वो बीच में रहेगा, जो स्विमिंग में करते समय आपका अंदर रहता है। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, इसके आपने कंटिन्यू राउंड मारने, इसी चीज़ के आपने कंटिन्यू राउंड मारने। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आपकी लेग मूवमेंट में कोई ना कोई कमी जरूर होगी। ठीक है, और याद रखना कि नी बाहर नहीं आनी चाहिए,
जिसे हल्के फुलके तो चलते हैं नहीं, अगर ज़्यादा बाहर आते हो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो लेग मूवमेंट है वो आपकी ऐसे फोल्ड नहीं होनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए, जो कि हमने बाहर प्रैक्टिस में बताई है, ठीक है। अब उल्टी की क्या करनी है, जैसे कि आपको ब्रीथिंग नहीं आती और आप चाहते हो कि आप लेग मूवमेंट की प्रैक्टिस करनी है, तो उल्टे में क्या करना है, आपने किकबोर्ड को ऐसे पकड़ लेना, फेस बाहर ही रखना, अंदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइक दिस, ये पानी पीछे से ऐसे उठना चाहिए तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ये चीज़ आपने कंटिन्यू करनी है, जैसे एक बार इधर आ गए, ठीक है, और ऐसे इसके कम से कम नहीं तो 20 राउंड मारने आपने अपने पूल के, 20 राउंड कम से कम 20 राउंड मारोगे तो आपको अच्छे से लेग मूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, बोर्ड के ऊपर ज़्यादा वजन नहीं डालना आपने, ठीक ठीक वजन डालना है, ठीक है। अगर आप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो, बीच में आप फेस अंदर कर सकते हो ऐसे, फिर ब्रीथिंग छोड़ के, फिर ब्रीथिंग छोड़ के आप बाहर आ सकते हो। अभी इस पानी में क्लोरीन है, थोड़ा दिक्कत है मेरे लिए, मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी जल्दी बता दूँ, ठीक है। अब बैक की प्रैक्टिस, नीचे से ग्रिप करके, ये क्या होगा ना, जैसे जैसे आप ग्रिप नीचे लेके जाते रहोगे वैसे वैसे आपकी बॉडी के ऊपर वजन आ जाएगा, ये सिर्फ हल्की सी स्पोर्ट के लिए है, ठीक है। ये और बाजू सीधी रखना है, ऐसे मत रखना, सीधी रखना और सीधी आपने फास्ट करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो इसकी प्रैक्टिस फास्ट करनी है, अगर आप सही कर रहे हो ना, अगर आप सही कर रहे हो, स्लो भी चलाओगे तो भी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और अब क्या करना है, अब इसको हमने छोड़ देना है, अब बिना इसके करनी है, तो बिना इसके करने के लिए सबसे पहले हमने हाथ ऊपर नहीं रखने हैं, हमने हाथ नीचे रखने हैं, हमें बैक फ्लोटिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने हाथ नीचे रखने हैं और लेग्स मूवमेंट वही चेंज करनी है। ये देख सकते हो, अगर आपकी बॉडी नीचे जा रही हो तो आप इसको ऐसे ऐसे नीचे पुश कर सकते हो हल्का सा, नहीं तो अदरवाइज आपने चेंज करनी है। और इससे क्या होगा, आपके पेट पर जोर पड़ेगा, पेट पर जोर पड़ेगा तो आपका पेट पतला भी होगा और ऐप भी निकलेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपने चेंज करनी है ऐसे, इससे आपकी स्पीड में काफ़ी मूवमेंट होएगी, काफ़ी फर्क पड़ेगा। मेरे ग्रुप में किसी ने वीडियो डाली थी, उस बाइक की लेग मूवमेंट थोड़ी गलत थी, अगर वो लेग मूवमेंट पे काम करेगा तो सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, इसी चीज़ की जैसे मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप बताया, ऐसे ही आपने राउंड मारने हैं। अब हाथ ऊपर करके सिर्फ किकिंग, अगर आपके मुंह में पानी चला जाता है तो आपने पानी पूल में ही छोड़ देना है, पर मैं अभी मुंह में नहीं लूँगा, अभी मैं मुंह में नहीं लूँगा क्योंकि इसमें क्लोरीन है। अगर मुंह में पानी चला जाता है आपने पूल में छोड़ देना है, नाक में चला जाता है तो आपने ब्रीथिंग करनी है, 2 सेकंड बाहर रुक के फिर ब्रीथिंग करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। और कान में चला जाता है लाइक दिस, ऐसे मारना है, ऐसे मारना है तो भी कान से निकल जाएगा, और इस साइड के ऐसे ऐसे, और दूसरी बात कान को आप ऐसे प्रेस करके छोड़ोगे तो भी कानों से पानी बाहर आता है, ठीक है। नाक बंद करके तब भी आपके कान के पर्दे जो थोड़ा सही हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप कान में पानी जाता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से भी बना रखी है, तो ये मैंने पानी में इसलिए बता दिया क्योंकि इसके कमेंट अभी भी बहुत आते हैं। आई होप कि आपको लेग्स मूवमेंट सारी समझ में आ गई होगी। अब जो मूवमेंट मैंने किकबोर्ड के साथ वैसे बताई है वही आपकी पानी के अंदर होएगी, सीधे की जो हम ऐसे फ्री स्टाइल में फ्लोटिंग के साथ करते हैं वो वाली एक बार दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं जो किकिंग दिखाने वाला हूँ ये है फ्री स्टाइल की किकिंग, ठीक है, फ्री में यही यूज़ होती है, तो सेम हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से ग्रिप करेंगे, इसमें ग्रिप करके आपने ये यहाँ पे आर्म्स बीच में लेनी है, फिर बाहर करनी है, फिर नीचे करनी है, फिर नीचे करनी है, फिर यहाँ से ग्रिप करनी है। मतलब ग्रिप से देख लो, फर्स्ट ग्रिप, सेकेंड ग्रिप, थर्ड ग्रिप, फोर्थ ग्रिप, ठीक है। उसके बाद आपने इसको छोड़ के फिर इसके बिना होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रिप करके फ्री स्टाइल की किकिंग करेंगे, किकिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना कि कैसे मैं सीधी रख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे मैं किकिंग कर रहा था साथ में मैं ब्रीथिंग भी कर रहा था, यही चीज आपने सेम फॉलो करनी। अब सेकंड स्टेप, यहां से ग्रिप, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, ब्रीथिंग की साइड वाली मूवमेंट की भी आपने प्रैक्टिस करनी। कैसे,
ठीक है। अब हम थर्ड ग्रिपिंग पे आ गए, ठीक है, नीचे ओके। अब हम लास्ट ग्रिपिंग में आ गए, जो ब्रीथिंग बता रहा हूँ ये फ्री स्टाइल के लिए है, आपको साइड में लेने के लिए बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट ग्रिपिंग, एक बात ध्यान रखना कि सभी किकिंग मोड जो पकड़ के करोगे इनको सीधा रखना, ऐसे मत रखना, ठीक है। अब इसका काम खत्म, अब बिना इसके करना है, ठीक है। बिना इसके आपको हाथ पकड़ने की जरूरत है, अगर आप हाथ पकड़ सकते हो ठीक है, वैसे आप पहले ऐसे करो फिर हाथ पकड़ो, बेनिफिट तब रहेगा। इसमें एक छोटी सी चीज़ और रखना ध्यान, कि जब आप प्रैक्टिस करोगे फेस नीचे रखना, नीचे, अगर आप आगे रखोगे तो आपका बैक पार्ट नीचे जाएगा, बैक पार्ट नीचे जाएगा, अगर आप फेस नीचे रखोगे तो ऊपर रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये लास्ट की है, ये लास्ट ग्रिपिंग की प्रैक्टिस, ये देखो, इससे क्या होगा, अगर आपकी साइड मूवमेंट लेने की टीचिंग के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये हाथ चलाना बड़ा आसान हो जाएगा, और हाथ सीधे चला सकते हो पहले में, कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में, पर उसके लिए प्रोफेशनल के लिए आपको ऐसे हाथ फोल्ड करके लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारी समझ में आगे होगी, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स, आपको सारी किकिंग आगे होगी जो मैंने बताई है स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज़ बता दूँ कि किकबोर्ड की ग्रिपिंग मैंने सबसे पहले जो बैक की किकिंग है वो ऐसे आती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, ऐसे फर्स्ट, ठीक है, दूसरी ऐसे आ जाती है, तीसरी ऐसे यहाँ से ग्रिपिंग, ठीक है। और फ्री स्टाइल में ये सबसे पहले यहाँ पे ग्रिप चलता है, ठीक है, फिर बाहर आता है, फिर बाहर आता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर छोड़ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं बढ़िया आपको बता सकूँ, ताकि आपको किकिंग करने में प्रैक्टिस में दिक्कत ना हो। और आज की वीडियो इतनी ही थी किक बोर्ड के साथ, ठीक है। बैक की किकिंग मेन थी इसमें, जो मैंने बता दी, और फ्री का भी मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने फ्री की किकिंग की भी वीडियो बना दी। आई होप कि आपको अब बैक स्ट्रोक के सारा कुछ पता चल गया होगा। अब डाइविंग की रहेगी, मुझे एक कमेंट आया था भाई समर शॉल्ट के ऊपर बनाओ, जिसको फ्लिप को बोल रहा था, वो समर शॉल्ट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, पर अभी नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेरी डाइविंग के ऊपर, वो डाइविंग के बड़े पे बनेगी, तो वो मैं शाम को बनाऊंगा चिंटू की, क्योंकि मैं शाम को खुद पानी में नहीं जा सकता, क्योंकि कैमरा जो किसी को पकड़ाना दिक्कत हो जाती है। तो तैयार रहना अगली वीडियो देखने के लिए, और मुझे सब्सक्राइब करते रहो मेरे नए चैनल को, मिलकर जो मेरा टेक्निकल लवली मनी चैनल है उसको भी सपोर्ट करो। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, और अगर वीडियो लंबी है तो सॉरी, मैंने सारा कुछ बताना था अच्छे से, और जिसके नाक कान मुंह में पानी जाता है वो मैंने सारा कुछ बता दिया है। और मिस करके मत देखा करो, स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि बीच में मैं कभी कुछ भी बता देता हूँ, तो इसलिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, जैसे कि आपको ठीक लगता है। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, मुझे फॉलो कर लेना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। फ्रेंड्स, ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप स्विमिंग की टेक्निक सीखते हैं, और ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं माल की अनबॉक्सिंग, अदरवाइज ब्रांड की अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। थैंक यू वॉच द वीडियो।